अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। ईद मुबारक आप लोग को बहुत बहुत। और मेरी तो यही दुआ है आपकी स्वीट सी अच्छी सी ईद गुजर रही हो। और आप लोग ज़रूर प्लीज़ मेरे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है और आप लोग क्या मज़े कर रहे हैं क्या नहीं, ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है और मैं उसका दिल से रिप्लाई करती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है। तो जी ये है मेरा आज का ड्रेस, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि कराची में बहुत गर्मी है, लॉन के सूट ही चलते हैं। और आप लोग भी उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोगों ने कैसे कैसे कपड़े बनाए हैं। हुनैन बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये भतीजा हमारा और ये हमारी भतीजी परु परुशी। हाय कर दो। हाय हाय। तो जी आज है ईद का फर्ज और जो है मेरी भाभी जो है वो तो अपने मैके गई हुई है, तो मैं और मेरी बहन हैं। तो हमने कहा डिनर में क्या किया जाए, बहुत झटपट सा जो बन जाए। तो मैंने सोचा कि मैं इस पैटी थोड़ी पड़ी थी, थोड़ी मैक्रोनी पड़ी थी, दोनों को मिला के ज़रा बना लूँ। तो मैंने टमाटर जो हैं वो थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए चूल्हे पे रख दिए हैं, और इसमें मैंने अब जो है थोड़ा सिरका, थोड़ा सोया सॉस, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा नमक, ये सब मिला के जो है मैं ये टमाटर के अंदर डाल दूँगी। और टमाटर में डाल के इसको खूब अच्छी तरह जो है मसाले को भून लूँगी। तो ये हमारे जो टमाटर गल गए थे, अब हमने इसमें गाजर डाल दिए। गाजर मेरी थोड़ी सी गल जाएगी तो इसमें मैं मटर और कॉर्न डालूँगी, और ये गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें शिमला मिर्च डालूँगी। तो जी मैंने इसमें गाजर के बाद कॉर्न और मटर डाल दिए थे, 3-4 मिनट के लिए उसे पकाया। फिर मैंने अब इसमें शिमला मिर्च डाल दी है, लेकिन शिमला मिर्च मैं ज़्यादा पकाऊँगी नहीं, बस उसे हल्का सा ही अभी 1 मिनट के लिए सौते करके और चूल्हा जो बंद कर दूंगी। फिर मैं इसमें मैक्रोनी मिला लूंगी। जी अब मैंने इसमें मैक्रोनी इंस्पेक्टी मिला ली है और ये मेरी डिश तैयार है। तो जी आज तो मेरा दिन पूरा टाइम घर में गुजरा, कुछ सोते हुए गुजरा, कुछ बहन से अपनी गपशप करते हुए गुजरा, कुछ थोड़ा बहुत हमें चली गई थी अपने भतीजा भतीजी के पास, उनके साथ मिली क्योंकि फिर उन लोगों को जाना था। फिर जो है बस ऐसे ही सोते जाते गुजरता गया पूरा दिन। और आप लोग बताइए आप लोगों का दिन कैसा गुजरा, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, मुझे ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत मज़ा आता है। और जी अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी, इंशाल्लाह मैं सेकेंड डे आपसे मिलूँगी। और आप लोग मुझे ज़रूर ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।